हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस, ये है एम्स भटिंडा की ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का सॉल्व किया हुआ है मैंने, जो 29 सितंबर 2019 को हुआ था। ये सेट बी का नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड थर्ड का है, जो क्वेश्चन पेपर है, सॉरी ग्रेड सेकंड का सेट बी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए कि किस टाइप के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है एनाफिलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विथ विच ऑफ दी फॉलोइंग ड्रग्स। तो एनाफिलेक्टिक शॉक है जो एड्रेनालिन से ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसिडर्ड एज। तो कंटिन्यूसली बबलिंग हो रही है चेस्ट ड्रेनेज, जो वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज है उसमें, तो कंडीशन क्या शो करेगी, तो वो होगा सर्जिकल एम्फाइसीमा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नर्सेज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन द नर्स टेल्स द क्लाइंट टू स्पेशली अलर्ट फॉर। तो नर्स है जो क्लाइंट के लिए किस चीज़ को अलर्ट रहने के लिए कहेगी, तो वो कहेगी साइन ऑफ इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज, अ क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विथ परनीशियस एनीमिया इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट, अ नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विथ। तो यहाँ पर परनीशियस एनीमिया डायग्नोज हुआ है एक पेशेंट को, तो उसको क्या है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो विटामिन बी ट्वेल्व, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण है तो परनीशियस एनीमिया होता है। यहाँ पे आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21-year-old वुमेन इज बीइंग ट्रीटेड फॉर इंजरीज सस्टेंड इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, द पेशेंट हैज सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन इन प्लेस, द नर्स रिकोगनाइज दैट सी बी पी मेजरमेंट रिफ्लेक्ट। तो जो नर्स है वो सी बी पी लाइन मेजरमेंट रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, तो होगा प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा थर्ड। नेक्स्ट इज, द क्लाइंट हैज अंडरगोन अ थायरॉयडेक्टोमी, अ नर्स मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डैमेज और पैराथायरॉयड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली। तो एक जो पेशेंट है, थायरॉयडेक्टोमी हुई है उसकी सॉरी, तो उसके लिए एक नर्स जो कौन से साइन है जो मॉनिटर करेगी, जिसके कारण उसको पता चलेगा कि पोस्ट ऑपरेटिवली उसकी पैराथायरॉयड ग्लैंड भी डैमेज हुई है, और कौन सी साइन है जो इंडिकेट करेंगे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो डैमेज हुई है, तो वो होगा टिंगलिंग अराउंड द माउथ। करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेवन, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द अ ट्रांजिएंट स्टमक अटैक, अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड एस्पिरिन 100 mg बाय माउथ डेली, नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट दिस मेडिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू द डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। हियर इज द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट इज, अ 70-year-old क्लाइंट इज कन्फाइंड टू हर बेड ड्यू टू एडवांस पार्किंसंस डिजीज, विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर क्लाइंट विथ पार्किंसंस क्राइसिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा वो रिस्क ऑफ द इंजरी। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज ट्रकेस्टोमी ट्यूब एंड इज अंडरगोइंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, द नर्स कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रैकियल डायलेशन आ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रकेस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट बाय। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रकेस्टोमी ट्यूब के क्या होंगे, वो होंगे यूजिंग द मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग कफ प्रेशर लेस देन 25 cm H2O। नेक्स्ट इज, अ क्लाइंट हु जस्ट रिसीव द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस ए आस्क, हाउ कुड आई हैव गॉटन दिस डिसीज, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। तो एक पेशेंट है, इसको हेपेटाइटिस ए डायग्नोज हुआ है, तो वो नर्स से पूछेगा कि मुझे क्यों और किस कारण से हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा वो यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड फूड। नेक्स्ट इज, ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ वॉट एज, तो अप टू 5 years एज तक दिया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव अ पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव अ चेस्ट ट्यूब रिमूव्ड। तो उसके लिए नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी, तो वो देगी टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट इज, अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज रिसीविंग मैनिटॉल, टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नर्स किस चीज के लिए असिस्ट करेगी, तो वो करेगी इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। करेक्ट आंसर इज थर्ड।
नेक्स्ट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इन अ पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ लिवर इज अ डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल. करेक्ट आंसर इज 4th. नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक प्रायोरिटीज एट दिस टाइम. एक पेशेंट सर्जरी से रिटर्न हुआ है तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स की, तो वो होगी इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. करेक्ट आंसर इज 1st. नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ स्टेटस अस्थमेटिकस इज इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. द नर्स शुड मेंटेन द क्लाइंट इन विच पोजिशन. तो सिटिंग अपराइट और इसको हाई फॉलोअर्स पोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1st. नेक्स्ट इज द नर्स इनकरेज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग्स. कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग्स मसल्स हेल्प टू प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन. तो होगा प्लूराइसी को प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18. अ फीमेल पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गोनोरिया. द नर्स शुड असिस्ट हर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. फीमेल पेशेंट को गोनोरिया की कंडीशन है, कौन सा सिम्टम है जो नर्स असिस्ट करेगी, तो होगा लोअर एब्डोमिनल पेन. करेक्ट आंसर इज 1st. नेक्स्ट इज अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज गिवन डिजिटलिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन डिजिटलिस टॉक्सिसिटी. डिजिटलिस और डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बताना है, तो वो आएगा नोजिया एंड वॉमिटिंग. करेक्ट आंसर इज 3rd. नेक्स्ट इज अ 47-year-old मेल इज एडमिटेड विथ एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ही इज कोल्ड एंड क्लैमी एंड हैज सीवियर सबस्टर्नल चेस्ट पेन विथ डिस्निया. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन नर्स विल इम्प्लीमेंट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. तो एक जो मेल क्लाइंट है 47-year-old है, उसको एडमिट किया गया है जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन है, वो कोल्ड क्लैमी और सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है विथ डिस्निया, डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में. तो उसके प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या होगा, तो वो होगा प्लेस पेशेंट इन सेम फॉलोअर्स पोजीशन. करेक्ट आंसर इज 3rd. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन सिस्टम. तो किडनी के थ्रू रेगुलेट होता है. नेक्स्ट इज लैक्टुलोज 20 ग्राम इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट थ्रू गैस्ट्रिक ट्यूब. ऑन हैंड इज इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ 10 ग्राम पर 15 ml. हाउ मच विल बी द नर्स गिव. नर्स देगी 30 ml. नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद अ पेसमेकर इज एमुलेटिंग इन द रूम विद द असिस्टेंस ऑफ नर्स. देन पेशेंट कंप्लेंस ऑफ डिजनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. इनिशियल एक्शन बाय द नर्स शुड बी. तो एक पेशेंट है जिसको पेसमेकर है और उसको एक नर्स असिस्ट करके रूम में लेके आई है, तो पेशेंट क्या कंप्लेन करे, डिजनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. तो एज अ नर्स आप क्या सबसे पहली प्रायोरिटी देंगी, तो उसको आप हैव हिम रेस्ट इन बेड इमीडिएटली. करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 2nd. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. द मोस्ट लाइकली सिस्टमेटिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा इंक्लूड. तो यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी हुई जिस पेशेंट की, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है जिसको, तो वो इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा ल्यूकेपनिया. करेक्ट आंसर इज 3rd. नेक्स्ट इज द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ पेशेंट विद COPD इंक्लूड्स ऑक्सीजन एट 1 to 2 liters पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर द ब्रीदिंग. करेक्ट आंसर इज 1st. नेक्स्ट इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी इंक्लूड. होगा फूड एंड फ्लूइड विल बी विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 hours. नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम माइकोनेट कार्बोनेट कैन बी यूज टू ट्रीट द. ये सभी चीज़ें जो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होंगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3rd. नेक्स्ट इज प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ क्रच मे कॉज इंजुरी टू द एक्सिलरी नर्व. करेक्ट आंसर इज 1st. नेक्स्ट इज इन हीमोफीलिया द ब्लीडिंग इज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8. करेक्ट आंसर इज 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विथ ट्यूबर क्लॉसिस हु इज ऑन आइसोनियाजिड थेरेपी शुड ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड. तो एक पेशेंट है जिसको आइसोनियाजिड थेरेपी चल रही है, ट्यूबर क्लॉसिस का पेशेंट है, तो उसको आइसोनियाजिड के साथ जो और कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, तो वो होगी पायरिडॉक्सिन. करेक्ट आंसर इज 3rd. नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलियोस्टॉमी दैट वॉज परफॉर्म टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1st, इंक्रीजिंग फ्लूड इनटेक टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट इज सिड्स बाथ इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सिड्स बाथ है जो हेमरॉइडक्टोमी के पेशेंट को दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन. करेक्ट आंसर है 2nd. नेक्स्ट इज व्हेन लिफ्टिंग अ पेशेंट ऑन टू अ स्ट्रेचर द नर्स शुड बेंड फ्रॉम द नी. करेक्ट आंसर इज 2nd.
नेक्स्ट इज रफेज इज द डाइट स्टिमुलेट्स फॉर द पेरिस्टेलिसिस, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैनी मे इंटरफेयर विथ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में क्या है जो इंटरफेयर करेगा, वो होगा कंस्ट्रक्टिव बैंडेज. नेक्स्ट इज द सक्सेस ऑफ फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवैल्यूएटेड बाय द यूरिन आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू अ नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन अबव नी एम्पुटेशन ऑफ द राइट लेग, द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशन, तो एक पेशेंट है जो नर्सिंग यूनिट में आया है आफ्टर द अबव नी एम्पुटेशन करवा के राइट लेग का, तो नर्स है जो उसको कौन सी पोजिशन है जो प्रोवाइड करवाएगी, नर्स है उसको सुपाइन विद द स्टम्प एलिवेटेड करवाएगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड. नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड टू बी, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड सोर थ्रोट. नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ गट इज ऑल्सो डायग्नोस्ड विथ यूरोलिथियासिस, द स्टोन्स आर ऑफ यूरिक एसिड टाइप, नर्स गिव द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन टू लिमिट इनटेक ऑफ विच फूड, तो लिवर है जिसको खाने के लिए मना करेगी. नेक्स्ट आता है वेन अ पेशेंट हैज एन एपिसोड ऑफ एपिस्टैक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट, तो एपिस्टैक्सिस मीन्स होता है नोज ब्लीडिंग का पेशेंट एपिस्टैक्सिस का, तो उसको नर्स जो फर्स्ट एक्शन क्या प्रोवाइड कराने के लिए कहेगी, तो वो हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज. नेक्स्ट इज पल्स डेफिशिएट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियल एंड एपिकल पल्स, आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अमंग द फॉलोइंग टू विच अ नर्स पेज अटेंशन व्हेन कंडक्टिंग अ जनरल सर्वे ऑन एन एडल्ट क्लाइंट, एक जो एज अ नर्स है मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस क्या होगी, जो भी जनरल सर्वे ले रही हो एक एडल्ट क्लाइंट का, तो यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा ए अपीयरेंस एंड बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज, मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है चेन इन्फेक्शन के लिए, तो वो है हैंड हाइजीन, करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा हैंड हाइजीन. नेक्स्ट इज गाउन शुड बी वॉर्न वैन, तो गाउन है जो कब पहननी चाहिए, ब्लड और बॉडी फ्लूड्स आर लाइकली टू गेट ऑन द नर्स क्लॉथिंग फ्रॉम अ टास्क द नर्स प्लान टू परफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट मेडिकेशन इरर्स अकर्स वैन द नर्स इज एडमिस्टिंग अनफेमिलियर मेडिकेशन, करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट इज द नर्स सेलेक्ट्स द रूट फॉर एडमिस्टिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइबर्स ऑर्डर, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, तो वही है जो सिलेक्ट रूट होगा एज ए नर्स के थ्रू सेलेक्ट किया गया. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो गुड बॉडी मैकेनिक्स के लिए कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो राइट हैं यहाँ पे, तो वो है मेंटेनिंग अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट एंड बेंडिंग एट द नीज. नेक्स्ट इज यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन क्लाइंट्स रूम, योर फर्स्ट एक्शन वुड बी टू, एक जो क्लाइंट है जिसके रूम में इलेक्ट्रिकल फायर की कंडीशन है, तो एज अ नर्स आप फर्स्ट एक्शन है क्या लेंगी, बोलेंगे हम इवैल्यूएट एनी क्लाइंट्स और विजिटर्स इन इमीडिएट डेंजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट इज टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज विच इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इन अ केयर प्लान फॉर इम्प्रूविंग स्लीप इन एन ओल्डर एडल्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा डिक्रीज फ्लूड 2 to 4 hours बिफोर द स्लीप. नेक्स्ट इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट आफ्टर राइट फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन, राइट फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन के बाद है जो नर्स क्या इंटरवेंशन यूज करेगी, तो वो होगा कीप द क्लाइंट्स इन हाई फॉलोअर्स पोजिशन. नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया हैज अ डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन, ही टेल्स द नर्स द CIA इज आउट टू गेट मी, दे आर स्पाइंग ऑन मी, द नर्स बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स इज आई नो द CIA वुडंट वॉन्ट टू हर्ट यू, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोस्ट नर्सेज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप रिमेनिंग थेरापीटिक एंड प्रोफेशनल एट ऑल टाइम्स, यहाँ पे आंसर आएगा फोर्थ. नेक्स्ट इज इन हेल्पिंग टू रिजोल्व अ क्राइसिस सिचुएशन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्राइसिस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्प करने वाले सिचुएशन है वो क्या होगी,
तो होगी इन्वॉल्व द पर्सन इन अ थेरेपी ग्रुप. करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ क्लाइंट विथ ऑर्गेनिक ब्रेन डिटोरिएशन वुड बी. एक पेशेंट के लिए ऑर्गेनिक ब्रेन डिटोरिएशन की कंडीशन है तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट केयर प्लान है जो क्या होगा, तो वो होगा द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजर टाइम एक्टिविटीज. करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट इज इन अप्रोचिंग अ क्लाइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ग्रेट ओवर एक्टिविटी इट इज एसेंशियल टू यूज अ फर्म वार्म कंसिस्टेंस अप्रोच. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू मोटर सेंसरी और सोमेटिक डिसेबिलिटी इज आइडेंटिफाइड इन द कन्वर्जन. करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट इज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इज द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड द हेलुसिनेशन. करेक्ट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. अ 19 ईयर ओल्ड फीमेल इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर बींग फाउंड अनकॉन्सियस. एक 19 साल की फीमेल है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है अनकॉन्सियस है. हर ब्लड प्रेशर 82/50 mmHg, बीपी 82/50 mmHg, सी इज 5.4 tL एंड वेट 35.8 kg. सी अपीयर्स डिहाइड्रेटेड एंड मालनरिस्ड आफ्टर रिगेनिंग कॉन्सियसनेस. सी रिपोर्ट दैट सी इज हैड ट्रबल ईटिंग लेटली एंड कैंट रिमेम्बर व्हाट सी एट इन द लास्ट 24 आवर्स. सी ऑल्सो स्टेट्स दैट सी हैड रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड. तो यहाँ पे 19 साल की फीमेल है उसको अनकॉन्शियस स्टेट में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है. उसका जो बीपी 82/50 mmHg, उसकी हाइट है जो 5.4 है और वेट है 35.8 kg, और वो डिहाइड्रेट और माल नरिश्ड लग रही है. अपीयरेंस उसका डिहाइड्रेट और माल नरिश्ड लग रहा है. जब वो कॉन्शियस होती है उसमें आती है तो वो कहती है कि उसको खाने में ट्रेवलिंग है और ट्रेवल है और वो उसको याद नहीं है कि उसने लास्ट 24 आवर में क्या खाया है. और उसके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो भी इरेगुलर है पास्ट 1 ईयर से पिछले 1 साल से. और वो जो भी खाना आता है उसको मोटा फैटी होने के कारण रिफ्यूज़ कर देती है. तो एक किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो एक ईटिंग डिसऑर्डर है और यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो एनोरेक्सिया नर्वोसा. नेक्स्ट इज नर्सेज डिमॉन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग बाय. तो जो नर्स एक्टिव लिसनिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए क्या होती है, अज्यूमिंग अ रिलैक्स्ड पोस्चर एंड लीनिंग टुवर्ड द क्लाइंट. नेक्स्ट इज विच असिसमेंट फाइंडिंग वुड लीड द नर्स टू सस्पेक्ट दैट पेशेंट्स आई वी हैज इनफिल्ट्रेट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा डी, द साइट इज पेल कूल स्वॉलन पेनफुल. नेक्स्ट इज वट टाइप ऑफ अथॉरिटी रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, तो वो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सॉरी थर्ड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हेल्प सिंड्रोम, तो हेल्प सिंड्रोम का फीचर क्या नहीं है, तो इसोनोफिलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 29 ईयर ओल्ड प्रीमिंग डेविडा कम्स टू द ऑब्स्ट्रेकियन फॉर प्रीनेटल विजिट. 29 साल की जो प्रीमिंग डेविडा है वो ऑब्स्ट्रेकियन जो ऑब्स्ट्रेटियन है उनके पास आई है प्रीनेटल विजिट के लिए. सी इज नोन टू बी HIV पॉजिटिव, उसको पता है कि वो HIV पॉजिटिव. सी ऑल्सो हैज अस्थमा, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम भी है. फॉर विच सी यूज एन इनहेलर. सी हैज नो नोन ड्रग एलर्जी, उसको किसी भी टाइप की एलर्जी नहीं है. एक्सटेंसिव काउंसलिंग इज गिवन टू हर रिगार्डिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू हर बेबी. इट इज रिकमेंडेड टू हर दैट सी टेक एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू डिक्रीज द वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट. इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू हर दैट सी हैव अ शेड्यूल्ड सिजेरियन डिलीवरी. तो उसके लिए सभी चीज़ें हैं और उसको ये भी पता है कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू उसके बेबी को भी HIV होने के चांसेस हैं, उसको रोकने के लिए है किस टाइप की मेडिसिन है और कितने चांसेस हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू उसके बेबी को HIV हो सकता है. तो वहाँ वही परसेंट में चांसेस पूछे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो होगा बी, 8%. नेक्स्ट इज अ प्रीमिंग ग्रेविडा 37 वीक्स रिपोर्टेड टू लेबर रूम विथ सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया विथ हैवी ब्लीडिंग पर वेजाइनम. द FHS वाज नॉर्मल एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर हर इज, तो बेस्ट मैनेजमेंट होगा सर्जेरियन सेक्शन. नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंसीडरेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन. प्लेसेंटल एब्रप्शन के लिए फर्स्ट कंसीडरेशन क्या होगा, तो होगा इमीडिएट द डिलीवरी, तुरंत डिलीवरी करवा देनी चाहिए. नेक्स्ट आता है केस ऑफ 35 वीक्स प्रेगनेंसी विथ कॉलीहाइड्रोमनिया सनमार्क रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज मैनेज्ड बाय. तो ये किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, होगा एमनियोसेंथेसिस के थ्रू. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली सीन इन फीटस विथ कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन, तो होता है मायोकार्डाइटिस.
क्वेश्चन नंबर 69, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ, तो ये किस पैरा सर्वाइकल ब्लॉक है जो किससे एसोसिएट करता है, तो ये कहता है इनहिबिशन ऑफ लेबर. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इनहिबिशन ऑफ लेबर. नेक्स्ट इज थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ, तो ये थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्वमेंट है जो किसमें होता है, होता है वेजाइनल म्यूकोसा में, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज एज अ नर्स यू टीच अ क्लाइंट हु हैज हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट टू हेल्प विथ टिश्यू रिपेयर, तो टिश्यू रिपेयरिंग के लिए किस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो वह प्रोटीन. नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज ऑफ द हेल्पिंग रिलेशनशिप द नर्स माइट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ओरिएंटेशन फेज में है जो क्या हेल्प होगी नर्स की, तो यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा बी, रिव्यूज द क्लाइंट्स हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पॉसिबल हेल्थ कंसर्न. नेक्स्ट इज अ क्लाइंट नीड्स टू लर्न टू यूज अ वॉकर, एक्विजिशन ऑफ दिस स्किल विल रिक्वायर लर्निंग इन द, यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो होगा सी, साइकोमोटर डोमेन. नेक्स्ट इज द नर्स प्लान्स टू टीच अ क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, तो एक नर्स है जो पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज टीच करेगी, तो क्या टीच करेगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, जस्ट बिफोर लंच व्हेन द क्लाइंट इज मोस्ट अवेक एंड अलर्ट. नेक्स्ट इज द नर्स आस्क द क्लाइंट हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट्स सेल्फ स्टीम, करेक्ट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी, दिस वॉज स्टेट बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई हेल्थ की डेफिनेशन है. नेक्स्ट आता है 26-year-old premigravidar woman comes to the labor and delivery ward at term with regular painful contraction, तो एक 26 साल की premigravidar है वुमेन है जो लेबर रूम में आई है, डिलीवरी वार्ड में आई है, फुली टर्म है और उसको रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शन हो रहे हैं. हर पेरिनेटल कोर्स वॉज अनरिमार्केबल, सी हैज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ मिट्रल वॉल प्रोलैप्स विद रिगर्जिटेशन, उसकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसके लिए मिट्रल वॉल प्रोलैप्स विद रिगर्जिटेशन की कंडीशन डिमॉन्स्ट्रेट हुई है इकोकार्डियोग्राफी ECG में. सी टेक्स नो मेडिकेशन एंड हैज नो एलर्जीज टू मेडिकेशन, एग्जामिनेशन शोड दैट हर सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर, तो उसका एग्जामिनेशन किया गया तो सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी है और फीटस है जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, द फीटल हाइट इज रेट इज रीअश्योरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ दिस वुमेन, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो होगा डी, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट इज रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंटल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड्स, तो रीजन क्या होता है, तो वो होता है पेरेंटल रूट अलाउज मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन द ओरल रूट. नेक्स्ट इज पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज, तो पल्स ऑक्सीमेट्री इसका यूज क्यों किया जाता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड. नेक्स्ट इज व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस द नर्स कैन आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे इसका आंसर आया होगा वो सी, टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 90 सेकेंड. नेक्स्ट इज आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूसेमाइड टू अ 16-month ओल्ड चाइल्ड हु हैज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नर्स वुड एक्सपेक्ट टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो एक जो 16 महीने का बच्चा है उसके लिए फ्लूसेमाइड एडमिनिस्टर की गई जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, नर्स है जो क्या ऑब्जर्व करेगी, तो नर्स है उसमें N/10 mL/kg इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट. नेक्स्ट इज व्हेन फीडिंग एन 18-month चाइल्ड 2 days आफ्टर द अंडरवेंट क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, नर्स वुड ऑफर लिक्विड न्यूट्रिशन यूजिंग अ, एक 18 महीने का बच्चा है जिसका जो क्लेफ्ट पैलेट है उसको सर्जरी हुई है उसकी, तो उसकी सर्जरी रिपेयर क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर किया गया है, तो आफ्टर 2 days उसको किसके थ्रू है जो लिक्विड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो वो होगा फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ, करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट इज अ पेरेंट टेल्स अ नर्स माई 3-month इन्फेंट रिसेंटली पास्ड सेवरल स्टूल्स दैट रिलेमेड क्लम्पी रेड जेली, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन द नर्स शुड सस्पेक्ट दैट द इन्फेंट हैज डेवलप्ड, यहाँ पे इसका आंसर आएगा होगा सी, इंटरसेप्शन, यहाँ पर रेड जेली लाइक स्टूल है ये किसको शो करता है, इंटरसेप्शन को. नेक्स्ट क्वेश्चन 6-month इन्फेंट हैज रिसेंटली बिगन सीएल फीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन वुड सपोर्ट अ नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ इनफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न, तो वो होगा डी, लेंथनेड टाइम बिटवीन द मील्स.
Next is, during the 1 minute apgar assessment, a newborn has a heart rate 120 beats per minute. Apgar assessment में एक मिनट का यहाँ पे सभी डेटा बताएं कि हार्ट रेट है 120 बीट्स पर मिनट है. लस्टी क्राई एसाइक्रोनोसिस एंड मिनिमल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज. नर्स वुड गिव द न्यूबॉर्न एंड अफगार स्कोर इज 6. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज अ चाइल्ड इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी विद द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड अ नर्स इंक्लूड इन द होम केयर प्लान. एक बेबी को डिस्चार्ज किया गया है जिसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो नर्सिंग केयर प्लान में नर्स होम केयर के लिए क्या ऐड करेगी साथ में, तो वो होगा रिस्ट्रिक्ट द फ्लूड इनटेक. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द केयर प्लान ऑफ अ न्यूबॉर्न एट 1 आवर ऑफ एज. तो एक नर्स सॉरी एक एज अ नर्स है तो क्या केयर प्लान करेगी बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी जो एक एक घंटे का 1 आवर है उस बेबी की एज है जो घंटे पहले ही डिलीवर हुआ है. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो होगा सी इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन. नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो क्या इन्वॉल्व होता है, वो होते हैं कन्वेइंग वंस फीलिंग थ्रू द बॉडी लैंग्वेज. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डेटा विल बी नर्स ऑब्टेन बिफोर एडमिनिस्टरिंग अ प्रिस्क्राइब्ड ओपियोइड मेडिकेशन टू अ पेशेंट. क्या चेक करेगी नर्स किसी भी पेशेंट में ओपियोइड मेडिकेशन को देने के पहले, तो वो होगा सी रेस्पिरेटरी रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 90. द बेस्ट वे टू चेक द पेटेंसी ऑफ द आर्टरियोवेनस फिस्टुला फॉर हीमोडायलिसिस. बेस्ट वे क्या होगा, वो होगा पालपेट द फिस्टुला थ्रू आउट इट्स लेंथ फॉर असिस्ट टू फॉर अ थ्रिल. नेक्स्ट इज अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ प्रेग्नेंट मदर एंड नर्स इन्फॉर्म्स द वुमन अबाउट द प्रोसीजर. नर्स टेल्स दैट. नर्स क्या बताएगी, वो बताएगी द टेस्ट विल टेक अबाउट 2 आवर्स एंड विल रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग फॉर 2 आवर्स आफ्टर प्रोसीजर इज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द क्लाइंट्स वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज बीइंग एज द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC. तो वो होगा यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो होगा बी अ सेकेंड ग्रेविडा डायग्नोज विथ डेड फीटस सिंड्रोम. नेक्स्ट इज इफ द लेबर एंड्स विद इन 3 आवर्स विथ 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेटिंग लेबर. करेक्ट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग विच टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इफ सी एक्सपीरियंसिंग लीकेज यूरिन व्हेन सी कफ्स स्नीज और लिफ्ट्स हैवी ऑब्जेक्ट्स. तो वो होगा स्ट्रेस. करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा थ्रू हेपेरिन. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी. तो वो टिटनेस वैक्सीन दी जाती है. नेक्स्ट इज एन 8-year-old इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन सिकल्स एंड क्राइसिस. अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड्स. तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर है वो क्या दिया जाएगा, तो वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट इज Child has been prescribed 240 ml of fluid to be administered by micro drip set over 6 hours. The nurse will regulate IV at nurse है जो 40 drops per minute की speed में देगी, तो यहाँ पे answer आएगा था. Next is which of the following behaviors by 36 month old child support a nursing diagnosis of altered growth and development. तो वो walks holding into the furniture. Next and last question is a 2-year-old arrive in the emergency room with an elevated temperature. एक 2 साल का बच्चा है जो इमरजेंसी रूम में आया है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है. ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन अ चाइल्ड कलर बिकम्स डस्की. फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि चाइल्ड का जो कलर है डस्की हो रहा है, बॉडी है स्टिफ हो रही है, एक्सट्रीमिटीज हैं जो ट्विस्ट हो रही हैं. सभी साइन किसके हैं, तो फेब्राइल सीजर्स के यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट. तो गाइज ये थी भटिंडा एम्स की आंसर की क्वेश्चन पेपर था, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर इसको सॉल्व किया गया है. यदि आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. बाय बाय.